एबीसी को समझा रहा है, ठीक है। अगर आपकी एवरेज इन्वेंट्री क्यू बाय टू है, देन टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो? इसके लिए हम चेंज करते हैं थोड़ा। टोटल टोटल कॉस्ट विल बी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय क्यू बाय टू प्लस ओ मल्टीप्लाई बाय एस बाय क्यू। अब हम इनको समझते हैं, ये नॉमिनेशन कैपिटल में है। ओके, व्हाट इज सी? सी इज पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट। आपके ने अपने पास एक यूनिट को अगर होल्ड करना है, एक यूनिट वन यूनिट को होल्ड करना है, अपने पास रखना है, तो उसको रखने की कितनी कॉस्ट है? अगर फॉर एग्जांपल आपने एक बंदा रखा हुआ है, 10,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, वेयर हाउस को जो है वो लुक आफ्टर करता है, इन आउट सारा मैनेज करता है, और उसके हिसाब से आपके पास 10,000 लेट से यूनिट पड़े हुए हैं एक वेयर हाउस के अंदर, उसी को लुक आफ्टर करता है, 10,000 ही उसकी सैलरी है, तो एक एक यूनिट को होल्ड करने की कॉस्ट कितनी होगी? 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000, दैट वुड बी इक्वल टू 1,000, ठीक है। सो दैट मीन्स के एक यूनिट को होल्ड करने की जो भी कॉस्ट होगी, दैट वुड बी सी कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, हमने Q by 2 को डिफाइन कर लिया कि एवरेज इन्वेंट्री विल बी इक्वल टू ऑलवेज Q by 2। व्हाट इज Q by 2? अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लिखते हैं C मल्टीप्लाई बाय Q by 2, तो ये क्या बना? अगर एक यूनिट को रखने की कॉस्ट सी है और एवरेज यूनिट आपके पास क्यू बाई टू अवेलेबल है, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स टोटल कैरिंग कॉस्ट। यानी के पूरे यूनिट जो आपके पास इस वक्त मौजूद हैं, जो कि क्यू हो सकते हैं, और उसको आप टू पे डिवाइड करेंगे, दैट वुड बी क्यू बाई टू, और एक यूनिट को रखने की कॉस्ट सी है, तो इन सारों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है टोटल कैरिंग कॉस्ट। टोटल कैरिंग कॉस्ट यानी कि आपने जो यूनिट होल्ड किए हुए हैं उनको रखने की कॉस्ट इज इक्वल टू सी इंटू क्यू बाई टू। अब आ जाते हैं हम दूसरे पोर्शन की तरफ। दूसरे पोर्शन में है ओ, ओ इज इक्वल टू ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट। एक ऑर्डर को करने की कितनी कॉस्ट है? जस्ट वन सिंगल वन ऑर्डर को करने की कॉस्ट वन ऑर्डर। लेट से आपको ऑर्डर करने पे 20 रुपये लगते हैं, कोई फ़ोन वगैरह करते हैं, या कोई आपकी स्टेशनरी इस्तेमाल होती है, कोई और एफर्ट इस्तेमाल होती है, तो आपको एक ऑर्डर को करने की कॉस्ट जो है दैट इज ओ। देन व्हाट इज एस बाई क्यू? एस बाई क्यू को हम पहले डिफाइन कर लेते हैं। एस एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स विल यूज इन वन साइकिल। वन काउंटिंग साइकिल हमने यहाँ पहले डिफाइन कर लिया। व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल वुड बी ऑफ 12 मंथ एटलीस्ट। तो पूरे साल में आपने जितने यूनिट इस्तेमाल करने हैं किसी भी इन्वेंट्री के, दैट वुड बी एस। देन व्हाट इज क्यू? क्यू भी तो इन्वेंट्री है। नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर सब साइकिल इन अकाउंटिंग साइकिल। इसको समझ लेते हैं, इसका क्या मतलब है। मैं कहता हूं मैं पूरे साल में 12,000 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ, देन व्हाट वुड बी क्यू? मैं लोगों को 30 दिन का क्रेडिट देता हूँ। 30 दिन का क्या मतलब है? एक महीना।
तो एक महीने में मुझे कितनी इन्वेंट्री मंगानी चाहिए? एक हजार। तो इसका मतलब है कि मुझे अगर 12,000 पूरे साल में इस्तेमाल करना है तो मैं हर महीने 1,000 मंगवा लूं। तो 1,000 यूनिट को अगर मैं 12 दफा मंगवाता हूं तो 12,000 पूरे हो जाते हैं। सो क्यू बेसिकली होता है वो इन्वेंट्री जो आप छोटे अकाउंटिंग पीरियड के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक तो है पूरा साल, साल के अंदर अब आप लोगों को क्रेडिट देते हैं लेट से 1 महीने का, तो 12 दफा ये क्रेडिट देंगे। अगर आप साल में उनको 2 महीने का क्रेडिट देते हैं तो आप 6 दफा उनको ये करेंगे, क्रेडिट देंगे। और जब आप 6 दफा देंगे तो आपको एक दफा इन्वेंट्री मंगवानी पड़ेगी 2,000। सो क्यू मीन्स जो आप एक छोटे साइकिल में इस्तेमाल करते हैं। आपका 2 महीने का क्रेडिट साइकिल है तो आप 2 महीने की इन्वेंट्री होल्ड करेंगे। आपका 3 महीने का क्रेडिट साइकिल है तो आप 3 महीने की इन्वेंट्री होल्ड करेंगे। अगर आपका सिमिलरली 1 महीने का अकाउंटिंग साइकिल है तो आप 12 दफा करेंगे तो 1,000 यानी वन टाइम की इन्वेंट्री होल्ड करेंगे। तो वन टाइम की जो इन्वेंट्री है दैट इज क्यू। अच्छा, अब हम यहाँ करते हैं व्हाट डिफाइंस एस बाय क्यू। व्हाट इज एस बाय क्यू? इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे? अब आपके सामने है, ये देखिए। अगर आप साल में एस यूज करते हैं 12,000, एक दफा में आप इन्वेंट्री क्यू मंगवाते हैं 1,000, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हुए? 12। साल में 12 दफा मंगवाना पड़ेगा। अगर आप यूज करते हैं 12,000 साल में, एक दफा में मंगवाते हैं आप 2,000, तो आपने को कितनी दफा ऑर्डर करना पड़ेगा? 6 दफा। अगर आप 12,000 यूनिट मंगवाते हैं साल में, एक दफा में मंगवाते हैं 4,000, तो आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 3। अगर आप 12,000 यूनिट यूज करते हैं, 12,000 ही एक दफा मंगवाते हैं, तो आपको कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे? 1। सो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एस बाय क्यू को देखें तो एस बाय क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अगर हम ओ से मल्टीप्लाई करें, यानी ओ मल्टीप्लाई बाय एस डिवाइडेड बाय क्यू। एस डिवाइडेड बाय क्यू है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स को अगर आप पर ऑर्डर कॉस्ट से मल्टीप्लाई करें, इट बिकम्स टोटल ऑर्डर कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट, लेट्स सपोज हमें एक ऑर्डर पे 5 रुपये लगते हैं, हम ज़्यादा नहीं लगाते, हम कहते हैं 5 रुपये लगते हैं। 12 ऑर्डर दूंगा तो कितने पैसे लगेंगे? 60। 6 ऑर्डर दूंगा तो कितने पैसे लगेंगे? 30। इसी तरह से 3 ऑर्डर करूंगा तो कितने पैसे लगेंगे? 15। और अगर एक ऑर्डर करता हूं तो कितने पैसे लगेंगे? 5। आप ये देखें कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स होंगे उतने ही ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी, टोटल ऑर्डर कॉस्ट होगी। ओ मल्टीप्लाई बाय एस बाई क्यू। एस बाई क्यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स 12,631 निकाले। ओ इज पर ऑर्डर कॉस्ट, ये मैंने 5 पर ऑर्डर कॉस्ट लिख दी। आप ये देखें जितने ज्यादा ऑर्डर होंगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट होगी, जितने कम ऑर्डर होंगे उतनी ही कम कॉस्ट होगी। तो हमने यहाँ दो कॉस्ट का जिक्र किया, एक को हमने इधर इस पोर्शन में डिस्कस किया, एक को हमने इस पोर्शन में डिस्कस किया। जो फर्स्ट पोर्शन में हमने डिस्कस किया दैट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट, जो सेकंड पोर्शन में हमने डिस्कस किया दैट इज टोटल ऑर्डर कॉस्ट। और इन दोनों को अगर हम सम अप करें तो इट बिकम्स टोटल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग व्हिच इज टीसीसी, टोटल कैरिंग कॉस्ट प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट। इन दोनों को मिलाएं तो ये वो कॉस्ट बनती है जो कि आप होल्डिंग की पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एंड इन्वेंट्री। अगर एक इन्वेंट्री आपके पास है तो उसको होल्डिंग की जो टोटल कॉस्ट बनेगी दैट वुड बी ऑन टू बेसिक कंपोनेंट्स। फर्स्ट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट, सेकंड वन इज टोटल ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, अब इसका ताल्लुक क्या है? अब इसका ताल्लुक ये है कि हमें टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट है हमारी, हमें उसको जस्ट